हे गाइस, दिल से आदि यार आप लोगों की तरफ होप गाइस आप लोग सब ठीक हो गए। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अभी इंस्टेंट फाउंटेन होटल पे और यहाँ पे मैंने इंट्रो दिया। तो गाइस यहाँ से अपन लोग निकलेंगे और गाइस यहाँ का थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ। तो गाइस वो भी वीडियो देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ये फाउंटेन होटल है और गाइस यहाँ पे मेन हाईवे पे होटल है। यहाँ से अपने लोग को राजस्थान, गुजरात कहीं पे भी कौन से भी स्टेट पे जाना रहेगा तो गाइस फर्स्ट यहाँ पे रुकना पड़ता है। यहाँ पे एक बड़ा सा टोल है, तो यही मेन हाईवे और उसके बीच में ये होटल है। तो यहाँ पे हर जगह के लोग आके रुकते हैं। तो गाइस हम लोग भी रुके। पालघर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एरिया पड़ता है और हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे के लिए, मेन बॉम्बे के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पे रुके हुए। तो हम लोग यहाँ पे से थोड़े टाइम बाद निकलेंगे, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, आराम करता हूँ, फिर उसके हम लोग यहाँ निकलेंगे चाय वाय पी के। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ से अपनी चेरी बॉम निकालेंगे और पार्किंग में से निकलेंगे। यहाँ से पहले यहाँ से कार निकाल के अपनी चेरी बॉम निकाल के। तो गाइस अभी यहाँ से अपन लोग निकलेंगे पार्किंग में से। अंकल भी बहुत बोले थे कि यहाँ पे पार्किंग मत करो, थोड़ी सी जगह छोड़ के करो, लेकिन मैंने कर दिया पार्किंग। फिर भी 10 मिनट का बोल के आधे घंटे बाद यहाँ से निकल रहा हूँ, फिर भी कोई टेंशन नहीं। गाइस पार्किंग जो है ना बहुत सही है गाइस, तुम लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से अपन जस्ट निकल रहे हैं और अभी मेन हाईवे पकड़ेंगे यहाँ से। तो फिर निकल के फिर अपन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ से अभी आउटडोर आ गया है यहाँ का। तो गाइस यहाँ से अपन निकलते। तो गाइस आप कौन सा पीओगे बता दो, ऑरेंज पीओगे, सोडा पीओगे? भैया एक थोड़ा। तो गाइस हम लोग अभी सोडा पी रहे। तो गाइस अभी हम लोग माहिम आए और अपनी चेरी बॉम को भूख लगी है। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे तो गाइस चेरी बॉम को कुछ खिलाएंगे और थोड़ा बहुत अपन भी खाएंगे, फिर उसके बाद अपन चलते हैं। तो पहले यहाँ पे 1-2 गाड़ी खड़ी है। तो गाइस उसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर आएगा। तो गाइस चेरी बॉम को अपन खाना खिलाते हैं, अपन लोग इसको खाना खिलाते हैं, इसको भी भूख लगती है गाइस। तो इसमें अपन फ्यूल भरते हैं एंड चलते एंड देखते। तो गाइस अभी हम लोग पेट्रोल पम्प पे एंड गाड़ी को खाना खिला रहे हैं। तो गाइस खाना खिला के अपन निकलेंगे। तो गाइस देखो पेट्रोल भर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं अपन देखते हैं। तो गाइस कार रोड पे पार्क कर दी है और हम लोग यहाँ से चल के आ रहे हैं। और थोड़ा दूरी पे माहिम दरगाह है, तो हम लोग माहिम दरगाह पे जाएंगे एंड वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे और माहिम दरगाह कुछ बताता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग माहिम आए। तो माहिम अपन माहिम घूम रहे और माहिम दरगाह पे भी आएंगे, उनकी ज़ियारत भी करेंगे। तो चलते हैं देखते क्या करेंगे क्या नहीं। तो गाइस बने रहो इस ब्लॉग में। गाइस हम लोग अभी माहिम दरगाह है, तो मेरे साथ आप भी हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितना रश है। ये मिठाई की दुकान है और मैं बीच रोड पे हूँ और गाइस रोड का कुछ काम चालू है, इसके लिए जेसीबी रोड पे। अभी गाइस अपन लोग माहिम दरगाह के अंदर जाएंगे और गाइस बैक साइड भी जाएंगे उसके, और क्या है क्या नहीं मैं आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप लोग ज़ियारत करेंगे मखदूम शाह बाबा की। और गाइस सबसे पहले तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं आऊँ माहिम की ज़ियारत करूँ। तो आज फाइनली वो दिन आ गया। जब से ब्लॉगिंग चालू किया तब से पहला दिन सोचा था मैं यहाँ पे आऊँ माहिम आऊँ। तो आज फाइनली उनका बुलावा आ गया और मैं आ गया हूँ। तो मैं अपन गाइस चलते हैं अंदर और उनकी ज़ियारत करते हैं, फिर थोड़ा बहुत घूमते हैं, मार्केट घूमते, कुछ खाते पीते चलते हैं। तो गाइस यहाँ से अपन सीधा भी दरगाह पे जा रहे हैं, दरगाह वाले रोड पर। अभी यहाँ से अपन जा रहे हैं और गाइस यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही है, जेसीबी का काम चालू है। यहाँ से फूल की दुकान है। गाइस अपन लोग आ गए दरगाह पे। अभी दरगाह का एंट्रेंस आने वाला है और ये एंट्रेंस है अंदर जाने का। और गाइस ये बुलंद दरवाज़ा है दरगाह का। तो अपन लोग यहाँ से अभी अंदर जाएंगे। तो गाइस थोड़ा रश है, रश ख़त्म होने के बाद अंदर जाएंगे, थोड़ा ज़ियारत करेंगे उनकी। ले लो पाजी अपने ही 50 का वो आगे वाला ले लो। मैं ले लो, ठीक है। या गुलाब लेना, ये ले लो, ये ले लो। क्या हो गया बोलते? 10 रुपये। तो गाइस यहाँ का ये एंट्रेंस है, फर्स्ट ये मस्जिद लगती है, तो अपन लोग यहाँ पे पहला मस्जिद जाएंगे, वहाँ पे वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद फिर ये चद्दर लेके अपन दरगाह की ज़ियारत करने आएंगे, बाबा की ज़ियारत करने आएंगे। तो गाइस चलते हैं, पहला वज़ू करते हैं। तो गाइस मैं दरगाह के अंदर हूँ, और गाइस मेरी पैंट फटी हुई थी तो उसका जुगाड़ देखो, रुमाल और एक पे मास्क बांध के रखा था। तो गाइस मैं इसे निकालता हूँ क्योंकि फटी हुई पैंट से नहीं चलती, अंदर नहीं जा सकते हैं, तो इसको निकालता हूँ, चलते थोड़ा और घूमते हैं। तो गाइस ये दरगाह है और दरगाह का एरिया है, तो हम लोग का ज़ियारत करके हो गया है, यहाँ से भी चलते हैं। तो गाइस ये दरगाह है और इसका बैक साइड है, और अंदर जाके हो गया हम लोग का, और पूरा ज़ियारत कंप्लीट हो गया, ज़ियारत करके आ गए। तो अभी हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे और बाहर जाएंगे, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस ये माहिम की खाऊ गली है और ये माहिम का बाज़ार है, इस बाज़ार में सब चीज़ मिलता है और खाने के लिए सब आइटम मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपन लोग कुछ खाएंगे और भूख भी लगी है थोड़ी, तो खाएंगे और जाएंगे। यहाँ पे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे तो आप लोगों को बताता हूँ। गाइस माहिम में बैठे कुछ खाने के लिए, भूख लगी थी तो 2 खिचड़ा ऑर्डर किया हम लोग ने। खिचड़ा खाने के बाद अपने यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो गाइस आप लोगों को बताता हूँ। गाइस ये आ गया खिचड़ा, अभी अपन लोग खाएंगे उसके बाद जाएंगे। तो गाइस यहाँ से खा के हो गया है और यहाँ से अपन निकलेंगे, कुछ और खाएंगे। तो गाइस बहुत मज़ा आई खिचड़ा खा के, तो अभी चलते आगे। तो अभी खिचड़ा खा के हो गया तो अपन लोग एप्पल जूस पिएंगे, ये जूस की दुकान जूस पिएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। एंड गाइस देख सकते हैं पूरा मार्केट एरिया पीछे, और पीछे दरगाह शरीफ है और उसके टाइम में मार्केट एरिया जहाँ पर सब कुछ मिलता है आप देख। तो गाइस ये एप्पल जूस है, हम लोग पी रहे जूस, और ये जूस की दुकान है, और ये कुछ और खाने का है, और ये पूरी मार्केट है। तो कुछ जूस भी है और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं। गाइस मैं अभी माहिम की गली में घूम रहा हूँ। गाइस ये खाऊ गली है और पूरी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, और नॉर्मली तो थोड़ा कम रश रहता है। जब गाइस यहाँ पे उरूस चालू होता है ना माहिम दरगाह का, तो गाइस पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती, इतनी गर्दी रहती है, बहुत गर्दी रहती है। गाइस इससे पहले भी उरूस में मैं आया था, बहुत गर्दी थी, मतलब इतना रश था कि पब्लिक कहाँ जा रही है, किसको धक्का मार रही है, किसके बीच में आ रही है पता नहीं चला था। और गाइस ये सब मार्केट है पूरा, और यहाँ पे एनी टाइम रश रहता है, लेकिन इस टाइम तो उरूस में जब उरूस होता है तो गाइस बहुत रश रहता है यहाँ का। तो गाइस आप देख सकते हैं पीछे फिर भी है थोड़ी बहुत ट्रैफिक। तो गाइस यहाँ का एरिया एक्सप्लोर हो चुका है और यहाँ पर अपन लोग बहुत घूम चुके हैं। तो गाइस यहाँ से अपन जाते अपनी चेरी बॉम के पास, चेरी बॉम में रोड पर खड़ी करके रखा। और गाइस यहाँ पर टोचन वाले लोग भी आते घूमते रहते हैं, पता नहीं कब कहाँ किसी गाड़ी उठा के लेके चली आई। तो अभी अपन लोग सबसे पहले अपने चेरी बॉम के पास चलते हैं, देखते हैं वो कहाँ है क्या नहीं है, वो जगह पर है या नहीं। फिर उसको भी छोड़ के जाके बहुत टाइम हो गया उसको छोड़ के। तो अभी जाते हैं चेरी बॉम के पास, फिर चेरी बॉम लेते, फिर अपन यहाँ से निकलते घर के लिए सीधा। तो गाइस मैं भी थक चुका और बहुत घूम गया यहाँ पर, तो गाइस चलते। तो गाइस फाइनली अपन अपने चेरी बॉम के पास आ चुके हैं। गाइस कम से कम 1.5 घंटे से मैंने अपनी चेरी बॉम को खड़ा करके रखा था यहाँ पे अकेले लोनली। तो चेरी बॉम खोलते एंड बैठते और चलते गाइस। और गाइस यहाँ पे रोड पे खड़ी करता ना था गाइस, टेंशन में आता है एक क्या यहाँ पे टॉइंग मैन घूमते रहते, कब पता नहीं उठा के लेके चले जाए, तो वह उसका डर लगता है। कभी उठा के लेके चले गए तो फिर उसको छुड़ाने के लिए आटो के चक्कर काटो, इसको उसको फिर मगज मारी करो, हाथ पैर पड़ो। तो गाइस देख सकते कितना लंबा रास्ता है, और कम से कम यहाँ से 10 से 15 मिनट दूरी पर मैंने चेरी बॉम को खड़ा किया। तो गाइस माहिम जाके आ गया और गाइस बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि गाइज वहाँ से कंटिन्यू मुझे गाड़ी ड्राइव करके आना पड़ा और गाइज मुझे ड्राइव करना आती है इसलिए मैं ही ड्राइव करता हूँ। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइज बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।